भाई मेरा गला बैठ रहा है, थोड़ी आवाज कम आएगी। सभी किसान साथियों को नमस्कार। आज तारीख है 30 सितंबर 2024, दिनों का भाई सोमवार। हम पहुंचे हर रोज की तरह इंद्रिय अनाज मंडी में और जान लेते हैं दान के ताजा भाव। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को फॉलो शेयर जरूर करियो भाई। आपके लिए स्पेशल मेरे पास बोलने जा रहा। जो भाई हम पहुंचे हैं जी इंद्रिय अनाज मंडी में नरेश कुमार जी के पास, और बताएंगे आपको दान के ताज़ा रेट भाई। जो आप भाई बताओ जी, 1500 दान क्या रेट बिक्री मंडी में? आज 2600 रुपये टॉप रेट। टॉप रेट आज नीचे में क्या रेट बिक रही है? नीचे में कोई रेट नहीं भाई, 2100 2200 टोटल दान क्या रेट है? तो टोटल दान अपने यहाँ आती है मंडी में? अभी तो आई नहीं। उसका क्या रेट है पता चलो उधर से? उसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, जो मोटी दान चल रही प्यार 26 14 वगैरह जो भी मोटी दान वरायटी है उन्हें क्या रेट है जी? उनका भी तो कोई नहीं बिक रहा भाई माल। हम इतना आया था कल रैली में, वो कह रहा था भाई जी 8 तारीख के बाद 3100 रुपये लेंगे। देखो भाई हम तो घर हो गए लेंगे सब, 8 तारीख के बाद बेच लेंगे। अच्छा, कोई चांस नहीं है दान बिकने का जी? अभी तो कोई चांस नहीं है भाई, कोई भी परचेजर नहीं आ रहा, कोई सेलर वाला नहीं आ रहा, सब घरों बैठे आराम दे। नहीं जैसे गवर्नमेंट ना हो तो कर देना भला चालू करो बुल्ली, तो करी जना बुल्ली चालू क्यों नहीं रही? करी नहीं भाई, एक दिन ली थी 4-5 डेरिया वहाँ भी उरी पड़ी। अच्छा, मैं भी मिठाई मिठाई भी दे। तो उम्मीद नहीं है जी अभी तो? उम्मीद नहीं अभी तक बोली चालू होने की। तो सब क्या फिर जो किसानों की दान पकी खड़ी है तो क्या करेंगे अब उसको? वहाँ कटवा के ले आने लगे और मंडी में ला देंगे, अड़ते हो जाएगा बेचारे की और क्या करेंगे वहाँ। सही बात है, खेत में तो खराबी हो जाएंगी वहाँ फिर। और ये था बात है, कटवाने तो पड़े खेत से, कटवाने तो पड़ेंगे वहाँ भाई। देख लो अभी बोली कोई सार नहीं है, कोई कुछ मर्जी बोल रहे हैं। मिसाब तो इलेक्शन बाद होगी बोली जो हालात चल रही है लगता है सिरे, वही नवा मुख्यमंत्री क्या लेगा पुराने क्या करेंगे यार? पुराने घर जाएंगे अपने 10 साल बड़े मौज मार ली ना, और क्या करेंगे? ठीक है जी भाई साहब जी, ठीक है। ये कुछ नरेश जी से बात हुई तो इन्हें सामना कर दिया, जो 15 मोटी दान है ना वो बिल्कुल बोली नहीं है जी, अभी कोई चांस नहीं है अभी मोली के। तो आप लगा लो मंडियों में ना दान के ढेर ही ढेर लगे पड़े, लेबर बैठी कुछ लेबर से बात करते हैं। देखो आप साथ पूरी मंडी में देखो ना भाई साहब, आप यार बोल गला बैठ रहा है ज़्यादा। पूरी मंडी में ना देखो आप दान चिद्दी कर रहे और इसको चिद्दी करके सिखा रहे हो, देखो ऐसी सूख रही पड़ी बिल्कुल कड़क कर का। तो इसको किसान क्या कर रहे, मजबूरी में बेचारे में भर रहे इसको, और लेबर देखो सारी ठल्ली बैठी, लेबर बिल्कुल ठल्ली बैठी, जिनके पास अभी कोई काम नहीं रहा बिल्कुल भी। जी किसान सत्ती के पास बार धंधा नहीं है, उसने बेचारे ने पल मटक कर रखी ताकि पशु निखाए उसको, और न वेस्ट खराब है मेरी दान बोली ना होने से ना ले, और ये बहुत परेशान है बेचारे ठल्ली बैठे। मैंने पूछा कि काम आया? अच्छा काम नहीं अभी की दान का, काम नहीं है बिल्कुल भी, क्या चक्कर है काम क्यों नहीं रहा है? वो बोली होगा तब ना काम। बोली के लिए क्या बोलते हैं? 1 तारीख को बोला था, अब कहाँ है वो? बोली कोई चांस नहीं लग रहा अभी तो आप लगा लो लेबर बहुत परेशान हो रही भाई। कोई भाई तो अपना फोन चला रहा, कोई आराम से पड़े देखो आप, कोई इधर उधर बात कर रहा। इकट्ठे हो आप सब? इकट्ठे हो सारे लेबर? अलग अलग से लेबर आपकी दान भराई के लिए, लेबर अलग है आपकी? दाना काम बिल्कुल चल रहा भाई, लेबर परेशान है बेचारे, क्या बोल रहा काम ही नहीं आपका बहुत दिन है। ये भाई मंडी का रात हो रहा बहुत ज़्यादा पैदा, जिससे किसान वर्ग बहुत दुखी हो गया भाई इस टाइम। तो भाई स्पेशल आपके लिए आया था मैं, कई किसान साथियों को मैसेज आ रहे थे भाई मोटी धान की बोली सरकारी कब शुरू होगी भाई, ये बार कोई चांस नहीं है बोली होने का भाई, ठीक है ना भाई। जो भी भाई इस वीडियो देख रहे ना, चैनल को फॉलो शेयर जरूर कर ले भाई, कहीं जो खा जाओ नीचे कमेंट करते लिखा भाई, मैं भी सुधर जाओ अपने आप देख लो ग्राहक हो रहा, ठीक है भाई, धन्यवाद भाई साहब।